सब खैरियत है ना? क्या हो गया? कुछ नहीं। क्या हुआ अम्मी, आप इतनी खामोश क्यों हैं? नहीं, वो अम्मी मामू के घर गई थी ना, इसलिए परेशान है ना अम्मी? लो भाई, मैंने कहा भी था मामू का गम बांट लेता हूं, लेकिन अम्मी ने ही मेरा साथ नहीं दिया। अंदर आ जाओ। सलमान कौन है? मैं हूं सलमान, क्या हुआ? गिरफ्तार कर लो इसे। आप लोग अंदर कैसे आ गए? हमारे पास सलमान की गिरफ्तारी के वारंट है। इसे कहो कि शराफत से अपनी गिरफ्तारी दे दे, वरना हमें अपना काम करना बहुत अच्छी तरह से आता है। क्या किया इसने? इसने अपनी कजन को अगवा करवाकर और उसे हफ्ते बेजा में रखने की कोशिश की है। किरण, मामू झूठ बोल रहे हैं, मामू झूठ बोल रहे हैं, मैंने कुछ नहीं किया। ये तेरे किए हुए गुनाह है बेखैरत बेशरम, जो आज मेरी बेटी भुगत रही है कासिम की शक्ल में। मुझे अपनी बेहया बेटी से मत मिलाए, वो खुद उससे मिलने जाती थी। मेरी बेटी बेहया नहीं है, वो बेहया नहीं है। उसे कासिम ने फंसाया, उसकी तस्वीर एडिट करके कंप्यूटर पे लगाया। अगर तू ये सब ना करता ना, तो वो मेरी बेटी को कभी बदनाम ना करता। आज वो धमकियां दे रहा है, उसे पागल कर रहे हैं। चलो ले चलो इसे, लगाओ बस। चलो अम्मी, चलो अम्मी, अम्मी, अम्मी। सलार, इधर आ बेटा। सितारा को नहीं लाए? मैं उसे लेने नहीं गया था डैड। उधर तो गए थे, उसके घर तो गए थे तुम सितारा के। यू नो व्हाट डैड, एक चीज है जिससे आप मुझे कभी मायूस नहीं करते, पता है वो क्या है? देखो बेटा, तुम पर आंख रखना, तुम्हारा ध्यान रखना, ये मेरा फर्ज है। हाँ एग्जैक्टली, अगर आपको मेरी इतनी फिक्र है ना, तो कनाडा में रेजिडेंस का बंदोबस्त करवाएं मेरा। तो इसका ये मतलब है कि तुम सितारा को नहीं लाओगे? हम अलग हो चुके हैं डैड। ये कैसी सेपरेशन है सालार, कि वो तुम्हारी बहन से बातें कर रही है और तुम अपने ससुराल वालों से मिल रहे हो? मेरी बात सुने, मेरे पर्सनल मामले में ना इंटरफेयर मत करें आप दोनों। मैं कल उसको लेने जाऊंगा। आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे डैड। कैन यू गिव मी वन गुड रीजन कि मैं क्यों ना जाऊं? मुझे छोड़ने का फैसला उसका था। And I will respect her decision. अगर कल वो डिवोर्स पेपर्स ले आए, तो क्या तुम उन पे साइन कर दोगे जस्ट बिकॉज कि ये यू रिस्पेक्ट हर डिसीजन? तुम्हारे डैड ठीक कह रहे हैं बेटा। तुम खुद सोचो, अगर वो आके तुमसे कहती कि डिवोर्स पेपर पे साइन कर दो, तो क्या तुम कहोगे उससे?
ओह यस श्योर, आई रिस्पेक्ट योर डिसीजन। मैं यहाँ पर नहीं हूँ, कनाडा जा रहा हूँ। तो कनाडा से रابطہ कायम करना कोई मुश्किल है? तुम वहां से वापस भी तो उसी के लिए आए थे ना? कोई रखना ना चाहे ना मॉम, तो मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। ये तो हो नहीं सकता कि वो तुमसे रابطہ करे और तुम उसको नजरअंदाज करो। आपको तो खुश होना चाहिए कि वो चली गई है। क्यों, मैं क्यों खुश हूँ? मैं कोई तुम्हारी दुश्मन हूँ कि तुम्हारा दिल उजाड़ के, घर उजाड़ के खुश हूँ? जस्ट इमेजिन अगर वो तुम्हें कॉल करके कहे कि डिवोर्स पेपर पे साइन कर दो, तुमने सोचा है कि तुम क्या कहोगे? सलार, सलार जाने दो, अभी वो गुस्से में आया, सीधी बात उसको समझ ही नहीं आएगी। आप तो कह रहे थे कि आप जाएंगे। हाँ जाऊंगा, अगर आप पेपर्स तैयार हो जाएं तो फिर। कौन से पेपर्स? जाने दो, कल चलेंगे। हम तैयार रहना, तुम मेरे साथ चलना। ओके, मैं क्यों? क्या बहू के साथ बुरा सलूक मैं करता था? देखिए, अगर बेटे की खुशी चाहती हैं तो चुप करके खामोशी से मेरे साथ चलना। ओके? नश्मा भाभी को अभी तक आ जाना चाहिए था, काफी देर नहीं हो गई है, पता नहीं क्यों नहीं पहुंची। जी चाची, अम्मी ने मुझे भी कहा था, पता नहीं क्यों नहीं पहुंची, मैं भी बहुत परेशान हूँ। तुम क्यों परेशान हो? अच्छा, लगता है कि तुम्हें तुम्हारे घर से खबर मिल गई। क्या कहा, कौन सी खबर मिल गई? उनका भाई गिरफ्तार हो गया है। अब दिन भर आवारा गर्दी करेगा तो ये सब तो होगा ना। ये क्या कह रहे हो तुम? कासिम, तुमने बताया क्यों नहीं? मैं अभी फोन करती हूँ। हाँ, कीजिए फोन। मैं बताना तो चाहिए था ना। ये पुलिस? अरे हेड साहब, अरे अरे क्या कर रहे हैं आप? कासिम तुम ही हो ना? जी मैं हूँ, लेकिन क्यों? तुम्हारी गिरफ्तारी के वारंट है हमारे पास। मगर क्यों, क्या किया मेरे बच्चे ने? गिरफ्तारी के वारंट, लेकिन किस जुर्म में? एक लड़की को अगवा करके हफ्ते भेजा में रखने में मुजरिम का साथ देने और लड़कियों को जाली तस्वीरों के जरिए ब्लैकमेल करने के जुर्म में। मेरा बच्चा ऐसा नहीं कर सकता, ये झूठ है। देखिए झूठ है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। ये कंप्लेन किसने की? तुम्हारे साले ने। उसने अपने मामू की बेटी को अगवा किया था और उसने ये स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराया है कि सहूलतकार कासिम था। नहीं, है मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। आपको गलतफहमी, अम्मी इनको बताएं, ऐसा मैंने कुछ भी नहीं किया। ये झूठ है, ये झूठ है। आपका बेटा मासूम लड़कियों की तस्वीरें एडिट करके उन्हें ब्लैकमेल करता है। दादी कसम ले लें, इस बारे में मैं कुछ नहीं जानता हूँ। मुझे पता है बेटा, मुझे पता है। हेलो, रेस्ट कर रहे थे। कैसा कर सकते हैं? देखिए भाई, चलो मेरे खुदाया, मेरा बच्चा, या अल्लाह खैर करना मेरे बच्चे की।